तो देखो यार, बहुत सारे बंदों के पास अपनी एक स्क्वाड नहीं होती है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल के अपनी रैंक को पुश करना चाहते हैं। मजाक हो रहा है। बट आप सभी को पता होगा जो रैंडम प्लेयर्स होते हैं वो कितनी ज्यादा गलतियां करते हैं, इवन वो आपको रिवाइव तक नहीं देते, और जब आप उनसे कुछ लूट मांगते हो तो वो आपको ये बोलते हैं। अगर गाइस आपके साथ भी ऐसे ही होता है, आप इसी वजह से अपनी रैंक को पुश नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि यार इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप हर एक मैच को विन करोगे और आप हीरोइक ग्रैंड मास्टर बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट कर। सो गाइस जो हमारी पहली टिप आती है ये है कैरेक्टर्स को लेके। अगर गाइस आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो जो मैं आपको कैरेक्टर बताने वाला हूँ इन्हीं को यूज करना चाहिए। तो जो पहला कैरेक्टर है वुकोंग चच्चा, इसको तो भाई यूज करना ही करना है। अगर आप इसको यूज करोगे तो गाइस एनिमी आपको इजीली नहीं मार पाएगा, और गाइस ये कैरेक्टर आपको फ्री में भी मिला था तो आपके पास तो हो गई। इसके बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टर आता है इसका नाम है मोको। मोको आंटी बोल लो या फिर जो भी आपकी लगती है वो बोल लो, आपकी क्या लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो मोको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि आपके टीममेट के भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड कैरेक्टर आता है मैक्सिम भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मुझे पता है वैसे आप इसको यूज करती होंगे, बट जो बंदे यूज नहीं करते हैं तो आज से इसको यूज करने लग जाओ, इसकी वजह से आप जल्दी मेडिकेट कर पाओगे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर आता है कैली या फिर हयातो, इनमें से मैं तो यूज करता हूं कैली। अगर आप और कोई कैरेक्टर को यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से ही कोई कैरेक्टर यूज करना चाहिए। अभी गाइस मैं आपको अपना एक सीरियस मैच दिखाता हूं जहां पर एनिमी ने 3 राउंड जीत लिए थे और हम अभी 0 पे ही पड़े हुए थे। मैच एकदम सीरियस हो चुका था और वहां पर गाइस हमने इस मैच में कैसे कमबैक किया और कैसे जीता देखते हैं, और हम किस मिस्टेक की वजह से 3 मैच लगातार रहे थे। तो यहां पर गाइस जब भी आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको कभी भी रस नहीं करना है, अकेले अकेले रस नहीं करना, हमेशा होल्ड करके ही खेलना है। क्योंकि गाइस अगर आप शुरू में ही मर जाते हो तो समझ लो कि आपका वो राउंड गया। तो यहां पर देखो गाइस मैं यही गलती करता हूं, मैं अकेला अकेला इधर से निकल लेता हूं और यहां पर एनिमी सामने ही होता है जो कि यार यहां पर मेरे को हेडशॉट से डाउन कर देता है। आपने एक बात तो सुनी होगी, जो चीज आपको नहीं दिख रही है बट वो चीज आपको देख सकती है, तो इसी तरह से ये एनिमी मेरे को देख रहा था, मैं इसको देख नहीं पा रहा था, और मैं जैसे ही यहां पर गया इसने मेरे को डाउन कर दिया, और इसी वजह से हम ये पहला राउंड हार चुके थे। तो इसी तरह से गाइस हम 3 राउंड हार गए थे कुछ गलतियां करते हुए, बट अब भी मेरे अंदर हौसला था कि भाई मैं अब भी इस मैच को जीत सकता हूं, इस मैच को जितवा दूंगा। अच्छा तो यहां पर गाइस मैं क्या करता हूं, जब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होता है तो यहां पर मैं MP5 लेता हूं, एक मिड रेंज की गन, जिससे कि मैं मिड रेंज के अंदर भी एनिमी को डैमेज दे पाऊं। शॉटगन नहीं लेता हूं क्योंकि यार मैं फिर मिड रेंज में तो डैमेज नहीं दे पाऊंगा, तो इसीलिए मेरे को रश करना पड़ेगा जो कि यार एक सबसे बड़ी गलती होगी। तो यहां पर गाइस मैं मिड रेंज की गन लेता हूं, उसी के साथ ग्रेनेड और ग्लू वॉल भी ले लेता हूं जो कि यार आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो आपको ग्रेनेड भी लेने हैं, ठीक है। अभी देखो गाइस मैं होल्ड करके खेल रहा हूं, मैं इस साइड से गया और 2 बंदे मेरे साथ ही थे, एक बंदा साइड से गया जो कि यार वहां पर डाउन हो चुका है। तो यहां पर गाइस ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब आपकी टीममेट डाउन हो जाते हैं, और रैंडम प्लेयर ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही डाउन होते रहते हैं। बट आपको अपने अंदर पूरा हौसला रखना है कि भाई मैं मैच को जिता सकता हूं, मैं जिता सकता हूं, मैं चारों को मार सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर गाइस 2 बंदे तो मेरे साथ ही थे और एक बंदा आगे जा चुका था रस करने, बट जो स्कैरी नाम का बंदा था ये सही था जो कि यार मेरे साथ ही यहां पर खड़ा हुआ था। तो देखो यहां से हम एनिमी की पोजीशन को देख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, बट ये बंदा साथ दे रहा था, तो एक बंदा वहां पर था तो मैंने इसको बहुत ज्यादा डैमेज दिया, और एक बंदा हमारे पास ही आ चुका था। अगर गाइस आपके पास कोई बंदा आ जाए तो आपको ये मान के चलना ही है कि वो नेड तो जरूर करेगा। तो देखो इसने नेड किया तो मैं इसके नेड से पहले ही अलर्ट हो चुका था और बच गया। तो अब गाइस ये बंदा रस भी करेगा, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं थोड़ा पीछे गया और जैसे ही मेरे फ्रेंड के साथ फाइट करने लगा तो मैंने पीछे से इसको डैमेज दिया और हम दोनों ने इसको निपटा दिया, ठीक है। तो यहां पर गाइस एक बंदा डाउन हो चुका था, वहां पर उनके 2 बंदे थे और हम 3 अलाइव थे, ठीक है। तो अभी गाइस देखो क्या होता है, यहां पर गाइस हम इसकी लूट करते हैं और इधर से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो गाइस यहां पर साइड से बंदा मारने लग जाता है और मैं ग्लू वॉल मार लेता हूं। तो यहां पर गाइस सामने भी बंदा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, वो देखो वहां पर भी बंदा है, वो भी मेरे को ही मार रहा था। तो अभी गाइस मैं उसी को देखता हूं, तो वहां पर गाइस उस बंदे के साथ तो एक बंदा फाइट ले रहा था जो कि अभी डाउन भी हो चुका था, तो उस साइड जाने का कोई मतलब नहीं था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ यहां पर आया और मैंने एक बंदे को ऊपर डाउन कर दिया। तो यहां पर गाइस जो स्कैरी नाम का बंदा था वो ऊपर उसको देखने के लिए चला गया और मैं इधर ही खड़ा हुआ था, मैं उसकी पोजीशन को देख रहा था जो सामने बंदा था। तो मैं यहां से निकला जैसे ही तो ये बंदा साइड से भाग रहा था और उस टावर के पास जाके खड़ा हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपके पास नेट तो है ना, नेट डालो और बंदा खत्म है, ठीक है। देखो कुक किया और नेट डाला और बंदा खत्म। तो यहां पर गाइस मैंने इस राउंड को जितवा दिया था पूरी कोशिश करके, जिसमें गाइस कैरी ने भी बहुत मदद करी जो कि ये रैंडम प्लेयर ही था। तो कुछ प्लेयर तो यार अच्छे होते हैं बट कुछ प्लेयर ही खराब होते हैं जो कि पूरे गेम कैसी तैसी करते हैं।
वैसे गाइज हमने इस राउंड को जीत लिया था, बट अब भी 3 और राउंड जीतने बाकी थे इस मैच को जीतने के लिए। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपके टीममेट आपसे कुछ भी लूट मांगे तो प्लीज़ उनको दो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो उनको लूट जरूर देनी चाहिए। तो यहाँ पर एनिमी ने 3 राउंड जीत रखे थे, तो वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो वो अभी खुद ही आपके ऊपर रस करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये एनिमी ने रस किया और यहाँ पर मैंने इन दोनों एनिमी को डाउन कर दिया। वैसे ये बंदे को तुक्के में हेड लग गया, पर डाउन तो कर दिया ना, क्योंकि मैंने कोशिश करी। और कोशिश करने वालों कि कभी भी हार नहीं होती है, तो आपको भी कभी हार नहीं माननी है। और आपको नेड जो भी आपको इसमें दिए जाते हैं उन सब का आपको यूज करना है। तो देखो मैंने यहां पर नेड का यूज किया, तो मेरा डाउन एनिमी कंप्लीट हो गया और मेरे टीममेट भी नेड करने लगे, जिसकी वजह से वो बंदा भी मर गया। आपके अंदर बस एक या दो एनिमी को डाउन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो गाइज आपको कोई भी एनिमी नहीं हरा सकता। और आपके टीममेट रैंडम प्लेयर भी आपके साथ हो जाएंगे अगर आप अच्छा खेलते हो। तो गाइज यहां पर आपको अपने टीममेट को कवर फायर भी देना है। जब गाइज वो किसी एनिमी के साथ फाइट कर रहे हैं तो आप नेड का यूज कर सकते हो, या फिर फायर कर सकते हो एनिमी के ऊपर। देखो मैंने नेड फेंका तो यहां पर एनिमी को डैमेज पड़ा और मेरे टीममेट ने उसको आसानी से डाउन कर दिया। तो गाइस जब भी आपका टीममेट किसी एनिमी के साथ फाइट कर रहा है तो आप दूर से उसको डैमेज दो, ठीक है। देखो यहां पर एक और एनिमी आया, मैंने इसको डैमेज दिया था बहुत सारा, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कवर दिया और इसको डाउन कर दिया। यहां पर वैसे किल चोरी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार तो आपका ही प्लस होगा ना। और गाइस मैं आपको एक और टिप दे देता हूं, अगर गाइस सामने एक बंदा बचा है और आपकी टीम में पूरे 4 बंदे हैं, तब आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप अकेले अकेले बिना सोचे समझे उसके ऊपर रस करोगे, जिसकी वजह से वो आपके चारों टीममेट को मार सकता है। तो आपको हमेशा दिमाग के साथ ही खेलना है। तो यहाँ पर गाइज हमने 3-3 का स्कोर कर लिया था, अभी ये लास्ट राउंड है, इसके अंदर हमको हमेशा होल्ड करके ही खेलना है। जैसे कि आप सभी को पता है जो रैंडम प्लेयर होते हैं वो तो होल्ड करेंगे ही नहीं, तो जब भी वो रस करे तो आपको भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है कवर टू कवर। और जैसे ही वो एनिमी के साथ फाइट करने लगे तो आपको अपने फ्रेंड्स को कवर फायर देना है और एनिमी को डाउन करने की ट्राई करनी है, ठीक है। और गाइज आपको ग्रेनेड का भी भरपूर यूज करना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमने ग्रेनेड का यूज किया और इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई टीममेट डाउन है तो प्लीज उसको पहले रिवाइव दो, अगर आप उसको रिवाइव दे सकते हो तो उसको रिवाइव जरूर करो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ये इसको रिवाइव दे सकता था, बट इसने रिवाइव नहीं करा, जिसकी वजह से गाइस हम इस मैच को हार गए। तो रैंडम प्लेयर के साथ हर एक मैच को विन करने की मेन थिंग यही है कि सबसे पहले मत मरो, मतलब कि थोड़ा होल्ड करके खेलो। अगर आपके टीममेट रश कर रहे हैं तो उनको कवर फायर दो, अगर आप उनको रिवाइव कर सकते हो तो उनको रिवाइव करो, उनको लूट दो। और आपके अंदर एक या दो बंदे को डाउन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप हर एक मैच को जीत पाओगे। तो गाइज यही था वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बता देना और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। My regret for